सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे साइंस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे द्रव्यमान एवं बल के पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ। सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। आज की क्लास में मैं आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व करना सिखाऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन टॉपिकों से आपको इसी क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा किसका नहीं होता है, द्रव्यमान का। अब मैं आपको द्रव्यमान और भार में डिफरेंस बता देता हूँ। किसी वस्तु का द्रव्यमान ना प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। द्रव्यमान है ना वस्तु का, स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है, किंतु जो भार होता है स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन की गति के तीनों नियम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको सोल्व करा चुका हूं। एक बार क्लास जाकर जरूर देखिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। पहले नियम को ये दर्शाता है, क्लियर है। इसे ना मैं आपको थोड़ा रिवाइज भी करा देता हूँ। न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है ना, यदि क्या है बच्चों, कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। मतलब कहने का क्या है, वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार जाकर वो किला जरूर देखिएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, गति, समय, द्रव्यमान, त्वरण। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान समय त्वरण और गति है ना, रेखीय गति के चर है। ये क्या है बच्चों, रेखीय गति के चर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा रेखीय गति का चर नहीं है, ठीक है जी, जबकि द्रव्यमान अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। जड़त्व मापने की इकाई राइट आंसर होगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान, ठीक है जी। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की क्या होती है, इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, यदि हम पेड़ की शाखों को तेजी से हिलाए तो कुछ प्रतियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह खाली स्थान के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर होगा जड़त्व के कारण। सबसे पहले मैं आपको द्रव्यमान के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बल के प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल और थ्योरी के साथ कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का। किसका कहलाता है बच्चों, जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, बल समीकरण में एम बराबर है। बल समीकरण में एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। इसी पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके ही बनते हैं। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर होगा आपका, द्रव्यमान की परिभाषा बतानी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, द्रव्यमान अपॉन आयतन क्या होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ये होता है बच्चों घनत्व। घनत्व होता है डायरेक्ट, ऐसे भी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। घनत्व जो आपका रेलवे लोको पायलट सिग्नल टेलीकॉम जो आपका टेक्नीशियन वाला एग्जाम है उसमें लगातार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसलिए क्लास अच्छे से कवर करनी है आपको। यदि आपका रेलवे का आगामी एग्जाम है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है जी, एम अपॉन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखो कितना आसान न्यूमेरिकल है, एक लाइन में मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा होता है तब तो सीधा लिखते हैं, जब अपॉन में नहीं होता ऊपर माइनस में लिख देते हैं, इतना आपको पता होगा। क्या बताना है बच्चों, द्रव्यमान बताना है। भार कितना दिया हुआ है, वस्तु का भार है 200 न्यूटन, थोड़ा मैं लिख के दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करने सिखाऊंगा। स्मॉल जी का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान बताना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू कितना दिया है 200 बराबर, एम कितना है निकालना है, जी कितना है 10, ठीक है। एम बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे 10 मतलब 20 किलो,
20 किलो राइट आंसर होगा, किलोग्राम में है द्रव्यमान पूछा, किलोग्राम में आंसर देंगे, ना कि न्यूटन पास्कल वाट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनिट का ध्यान रखना अन्यथा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। मैं डायरेक्ट सोल्व करना सिखाऊंगा बच्चों, एम बराबर कितना हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा 450, अगर स्मॉल जी की वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या मानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 से काट देना, क्या जाएगा 45.9 किलोग्राम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन आपका सेम है, डिजिट चेंज है, क्या करना है, एम बराबर 980 बटे 9.8, जब इसको कट करेंगे 100 kg। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो 5 से 10 सेकंड में न्यूमेरिकल सोल्व होंगे सारे। किसी ऑब्जेक्ट का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता, क्या नहीं बदलता, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है तो वेग 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, एम बराबर 10, 50 से 50 5 से कट जाएगा, 10 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि बल एफ और त्वरण ए दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान एम ज्ञात करो। एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए, तो एम बराबर हो गया हो जाएगा एफ अपॉन ए, ऑप्शन नंबर ए बी। क्वेश्चन नंबर 18, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। एफ इजिकल टू क्या होता है बच्चों, एफ इजिकल टू होता है आपका एम ए, एफ इजिकल टू एम ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो 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 दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती या बदलने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बल, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बल नहीं होता जी, बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, इतना क्वेश्चन का आपका पता होना चाहिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 22, बल बराबर क्या होता है, त्वरण गुना द्रव्यमान गुना त्वरण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बल क्या होता है बच्चों, बल की एक सदिश राशि है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, ठीक है जी। न्यूटन के दूसरे नियम से बल इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। चार क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर करते हैं, क्षेत्रफल पर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल पर कैसे करेगा, प्रतिबल बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए, ए होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। प्रतिबल की एसआई मात्रक क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चारों पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान को एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगा जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकाय 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति करेगा। क्लियर जी, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ बराबर 10 रखोगे, एम बराबर 10 रखोगे, गुना ए, ए का मान 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस वस्तु पर लागू बल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा, उसे कहते हैं खिंचाओ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो औसत बल बराबर क्या होगा बच्चों, अब एक बराबर जे बराबर क्या होता है, एफ इंटू समय। औसत बल हो जाएगा एफ बराबर जे अपॉन टी, जे कितना है आपका -3, टी कितना है 0.05, ठीक है जी, कितना जाएगा -60 न्यूटन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, एफ इजिकल टू एम ए, 2 गुना 4 बराबर 8 न्यूटन,
8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है तो उस पर लगाने वाले बल की मात्रा की गणना करें। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलोग्राम की थी, एफ इजिकल टू एम ए होगा बच्चों, 20 गुना 4 बराबर 80 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। एफ इजिकल टू एम ए, एफ बराबर 100 है, एम बराबर 50 है, तो 100 से 50 कट के कितना आ जाएगा 2, ए बराबर 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान को वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिशील गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। 25 किलोग्राम की बात है, एफ इजिकल टू एम ए होगा, 25 अटे 200 न्यूटन होगा ना कि जूल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी पदार्थ पर खाली स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है, क्या कहलाता है। राइट आंसर बाह्य बल, बाह्य यहाँ पर बाह्य बल कार्य करने पर गुण के स्थान पर क्या जाएगा दृढ़ता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील है तो उस पर कार्यांतरिक बल होगा कितना होगा। 15×5=75, एफ इजिकल टू एम ए 75 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलन बल का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बल बन जाता है, कैसा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता, क्या नहीं होता प्रकृति में बच्चों, प्रकृति में अकेले क्या नहीं होता, बल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एफ इजिकल टू एम ए याद रखना बस। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बल। क्वेश्चन नंबर 37, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, क्या बोले हैं, ठोस सतह पर इसे कहते हैं बच्चों सामान्य बल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है, वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। द्रव्यमान बताना है, 20 न्यूटन की बात हो रही है बच्चों, क्या होगा, एफ इजिकल टू एम ए, 20 को 2 से काटेंगे 10 केजी आ जाएगा, 10 केजी, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, बाहर के, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल कितना होगा। मैं आपको बता चुका हूं कितना होगा बच्चों, शून्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई खाली स्थान न लगाया जाए, क्या नहीं लगाया जाए, बल न लगाया जाए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, यदि क्लास आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।